बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा 5 मरले पर मुश्तमिल ब्रांड न्यू बहुत ही खूबसूरत घर, जो कि बहुत ही मुनासिब प्राइस पर आपको मिल सकता है। और ये घर का फ्रंट एलिवेशन है, जो कि रॉक वॉल और टाइल वर्क के साथ खूबसूरत अंदाज से डिजाइन किया गया है। और इस प्लॉट की जो डायमेंशन है वो 25x45 है। और आज की इस वीडियो में आपके सामने घर की मुकम्मल डायमेंशंस भी आती रहेंगी, ताकि आपको प्लान समझने में इंतहाई आसानी हो। और वीडियो में आखिर तक मेरे साथ रहिएगा, ताकि आपके सामने सारी डिटेल्स बरवकत आती रहें। घर की लोकेशन, घर की प्राइस, घर का खूबसूरत डिजाइन और कॉन्टेक्ट नंबर। तो आइए आपको घर के अंदर लिए चलते हैं। ये इसका गैराज है, जिसमें क्रोला और सिविक टाइप की गाड़ी आप बिल्कुल आसानी से खड़ी कर सकते हैं। और गैराज की आपको डायमेंशन बताते चलें, 12x16 इसकी डायमेंशन है। और ये गैराज में ऊपर सीलिंग डिजाइन और बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं शीशा लगाया गया है, जो कि आप ऊपर वाले पोर्शन को गैराज से भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। और बिल्कुल उसके साथ ही मेन डोर, ये ड्राइंग रूम और ये फ्रंट पे 5 फीट स्पेस। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी लाजमी दबा दीजिएगा। तो आइए आपको ड्राइंग रूम में लिए चलते हैं। ये ड्राइंग रूम में इस साइड पे विंडो सेफ्टी ग्रिल लगाई गई है, और बिल्कुल सामने दीवार पे वॉल पेपर वर्क, और इसी तरह से इस साइड पे टीवी लॉन्च के लिए पार्टीशन बन जाती है। और आपको बताते चलें, दीवारों पे जो वॉलपेपर का काम किया गया है वो मुकम्मल तौर पर इम्पोर्टेड है, कोरियन वॉलपेपर है, लोकल नहीं है। और ये ऊपर सीलिंग डिजाइन ड्राइंग रूम में। और ये नीचे टाइल वर्क, और टाइल्स के बारे में आपको बताते चलें कि मुकम्मल घर में जो टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है वो चाइनीज टाइल्स है, लोकल नहीं है। आपको मेन डोर से लिए चलते हैं अंदर टीवी लॉन्च में। यही साइड पे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां, सीढ़ियों के नीचे पाउडर रूम, और बिल्कुल सामने ओपन किचन, उसके साथ ही नीचे वाले पोर्शन का बेडरूम, और इसी तरह से ये बिल्कुल सामने एलसीडी पॉइंट। ये टीवी लॉन्च आपको दूसरी साइड से दिखाते चलें, और टीवी लॉन्च प्लस ड्राइंग रूम की आपको डायमेंशन बताते चलें, 23x6x21.0 इसकी डायमेंशन है। ये टीवी लॉन्च में ऊपर सीलिंग डिजाइन, और ये नीचे टाइल वर्क। तो आइए आपको किचन में लिए चलते हैं। ये नीचे वाले पोर्शन का किचन है, ओपन किचन है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ डिजाइन किया गया है। वुडवर्क आपके सामने है, निहायत ही आला काम किया गया है। और बिल्कुल सामने जो दरवाजा है वो बाहर लॉन्ड्री के लिए है। और ये किचन में इस साइड पे आप देख सकते हैं, ये प्याज लहसुन वगैरह के लिए बहुत ही एक बेहतरीन ऑप्शन बनाई गई है, उसके साथ ही फ्रिज के लिए जगह बनाई गई है। आपको किचन की डायमेंशन बताते चले, 9x6x10.7 इसकी डायमेंशन है। और ये इस साइड पे फ्रिज के लिए जगह बनाई गई है, उसके साथ ही प्याज लहसुन सब्जी वगैरह रखने के लिए बेहतरीन एक ऑप्शन बन जाती है आपके लिए। और इसी तरह से इस साइड पे ये माइक्रो ओवन वगैरह के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन। और ये किचन का फुल व्यू, नीचे टाइल वर्क, और इसी तरह से ऊपर सीलिंग डिजाइन। आपको लिए चलते हैं नीचे वाले पोर्शन के बेडरूम में। ये बेडरूम में दीवार पर बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर वर्क, और बिल्कुल उसके साथ ही दरवाजा, और बिल्कुल सामने अलमारी इस बेडरूम की, और इसी तरह से अलमारी के साथ ही विंडो, और ये इस साइड पे अटैच वॉशरूम इस बेडरूम के। ये नीचे टाइल वर्क, और बिल्कुल सामने अलमारी।
और इसी तरह से ऊपर सीलिंग डिजाइन आपको बेडरूम की डायमेंशन बताते चलें, 13.7 बाई 10.7 इसकी डायमेंशन है। और ये इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम है, खूबसूरत अंदाज के साथ वॉशरूम्स को डिजाइन किया गया है। ये वॉशरूम में आप सामने देख सकते हैं शावर सेट, ये मेड इन इटली है। आपको जैसा कि बताया कि घर में मुकम्मल तौर पर इम्पोर्टेड काम किया गया है और बहुत ही मुनासिब प्राइस पर आपको ये घर मिलेगा इंशाल्लाह। वीडियो आखिर तक देखते रहिएगा, आपके सामने सारी डिटेल्स बरवकत आती रहेंगी। और आपको वॉशरूम की डायमेंशन बताते चलें, 8 फीट बाई 5 फीट इसकी डायमेंशन है। इसके बाद आपको सीढ़ियों के जरिए लिए चलते हैं ऊपर वाले पोर्शन में, जहां पे 2 बेडरूम्स, टीवी लॉन्च, किचन और टेरेस एरिया आ जाता है। ये हम ऊपर वाले टीवी लॉन्च में आ गए हैं। ये इस साइड पे किचन और बैक वाला बेडरूम, दीवार पे खूबसूरत वॉलपेपर वर्क, और इसी तरह से एक बेडरूम फ्रंट पे आ जाता है, बिल्कुल उसके साथ ही बाहर टेरेस एरिया आ जाता है। ये टीवी लॉन्च में नीचे टाइल वर्क, और आपको टीवी लॉन्च की डायमेंशन बताते चलें, 14.7 बाई 10.3 इसकी डायमेंशन है। और ये टीवी लॉन्च में ऊपर सीलिंग डिजाइन, बिल्कुल सामने ऊपर नीचे जाने के लिए सीढ़ियां और एलसीडी पॉइंट। और ये आपको सीढ़ियां दिखाते चलें ऊपर से। तो आइए आपको ऊपर वाले पोर्शन के किचन में लिए चलते हैं। ये भी ओपन किचन है, खूबसूरत अंदाज के साथ इसको भी डिजाइन किया गया है। वुडवर्क यहाँ पे भी बेहतरीन आला काम किया गया है। और आपको किचन की डायमेंशन बताते चलें, 5 फीट बाई 10.7 फीट इसकी डायमेंशन है। और ये किचन का फुल व्यू, नीचे टाइल वर्क और इसी तरह से ऊपर सीलिंग डिजाइन। आपको बैक वाले बेडरूम में लिए चलते हैं। ये बैक वाला बेडरूम है, इसमें भी अटैच वॉशरूम और बिल्कुल सामने विंडो, इसी तरह से दीवार पे खूबसूरत वॉलपेपर वर्क और बिल्कुल उसके साथ ही अलमारी इस बेडरूम की। और ये बेडरूम आपको दूसरी साइड से दिखाते चलें, अलमारी और बिल्कुल सामने दरवाजा, उसके साथ ही अटैच वॉशरूम इस बेडरूम का। और ये नीचे टाइल वर्क, आपको बेडरूम के डायमेंशन बताते चलें, 12.1 बाई 10.7 इसकी डायमेंशन है। और ये ऊपर सीलिंग डिजाइन इस बेडरूम की। और ये इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम है, खूबसूरत अंदाज के साथ डिजाइन किया गया है। वॉशरूम की डायमेंशन 5.7 बाई 6.1 इसकी डायमेंशन है। इसके साथ ही आपको इस घर की लोकेशन बताते चलें, बहरिया ऑर्चर्ड मेन रेवन रोड लाहौर इस घर की लोकेशन है। बहरिया ऑर्चर्ड मेन रेवन रोड इस घर की लोकेशन है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा, आइएगा, विजिट कीजिएगा। और ये आपको फ्रंट वाले बेडरूम में लेके आ गए हैं। बेडरूम के आपको डायमेंशन बताते चलें, 12.9 बाई 10.0। और इसके साथ ही आपको इस घर की प्राइस बताते चलें, 1 करोड़ 20 लाख रुपए इस घर की डिमांड है, जो कि बहुत ही मुनासिब है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा, आइएगा, विजिट कीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जिन हजरात के पास अपने जाती घर नहीं है, अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल से हम सबको अपने जाती घर अता फरमाए। हमारी अगली वीडियो आने तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अपनी नेक दुआओं में हमेशा से याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।